दोस्तों, बनाजाल चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे पालक के कोफ्ते। बहुत ही आसानी से बनने वाले कोफ्ते। आज हम बनाएंगे पालक कोफ्ता। तो उसके लिए हम लेंगे पालक। पालक को अच्छे से साफ करके 3-4 पानी से धो के बारीक बारीक, जितना बारीक आप काट सकते हैं उतना काट लें। एक बर्तन में निकाल लें, जैसा कि मैंने ये काट के रखा है। उसके लिए बेसन चाहिए, अदरक मिर्ची लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट। अब हम इसमें 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया और इसमें थोड़ी सी अजवाइन। ऐसे हथेली पे मलकर फिर डालेंगे, इससे खुशबू अच्छी आती है। अब थोड़ी सी हींग पाउडर। अब इसमें बेसन डालेंगे। बेसन पहले हम आधा डालेंगे, 1 कटोरी लिया था, आधा डालेंगे। इन सबको पहले मैश कर लेंगे, मिला लेंगे सभी को। अगर मुझे और लगेगा तो मैं बाद में मिलाऊंगी। इसमें बिल्कुल 1 चम्मच ऐसे थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले ज़्यादा नहीं डालेंगे, फिर मैश करेंगे, मिलाएंगे इसको। इसमें 1-2 चम्मच और बेसन डालेंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा पानी और डालेंगे। इसमें अभी नमक नहीं डाला है, नमक इसमें थोड़ा बाद में डाल के मिलाएंगे, नहीं तो क्या है पालक पानी छोड़ने लगेगी, उससे शेप अच्छा नहीं आएगा, इसलिए नमक थोड़ा बाद में मिलाते हैं। ये देखो सही से गूंद गया है। अब इसमें थोड़ा नमक मिलाएंगे, 1 चम्मच, एक और चम्मच, स्वादानुसार आप अपने हिसाब से भी मिला सकते हैं। थोड़ा पानी मिला के फिर से मिलाएंगे, जिससे नमक पूरे में एक जैसा मिल जाए। अब इसके छोटे छोटे गोले बना के रख लेंगे, एक प्लेट में बना के, जितना साइज आपको चाहिए, एक छोटा सा लड्डू जैसा बना के रखते जाएंगे प्लेट में। ये हमारा कोफ्ता इसी तरह सारे बना लेंगे। ये हमारे सारे कोफ्ते लड्डुओं की तरह तैयार हो चुके हैं और ये कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। अब हम मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे, तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे। पहले धीमी आंच पे सेकेंगे, नहीं तो ये अंदर तक नहीं सिकेंगे। आराम से धीमी आंच पे
सेकेंगे। इनको बिल्कुल धीमे आंच पे सिकने हमारे सिककर सुनहरे हो रहे हैं। इनको थोड़ा और सेकेंगे, बिल्कुल धीमे आंच पे आराम से सेकेंगे जो कि अंदर तक पक जाएं। ये देखो कितने अच्छे बनके तैयार हैं। थोड़ा सा और सेकेंगे, उसके बाद ग्रेवी बनाएंगे। अब हम थोड़ी से मीडियम आंच कर लेंगे जिससे ऊपर गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये हमारे सिक्कर तैयार हैं। ये हमारे कोफ्ते सिक्कर तैयार हो गए हैं। ये इनको आप नाश्ते में भी खा सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। इसके अंदर आप सब्जियां भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, मैश करके नाश्ते के साथ भी नाश्ते में भी खा सकते हैं। हरी चटनी के साथ धनिया टमाटर की चटनी बनाएं और आप खाएं। अब हम गैस जलाएंगे और तेल डालेंगे। हम सरसों के तेल में ग्रेवी तैयार करेंगे। अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है तो आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। अब इसको गर्म होने देंगे। अब ये हमारा तेल गरम हो चुका है, गैस को सिम कर देंगे। अब इसमें खड़े मसाले डालेंगे। ये मैंने एक पत्ता डाला है, सब्जी हमारी कम है इसलिए एक पत्ता डाला है। दो लौंग, 5-6 काली मिर्च और दालचीनी के ये दो टुकड़े छोटे छोटे हैं। ये फिर इसमें प्याज डालेंगे। तेल इसमें ज्यादा नहीं डालना है, मैंने इतनी सब्जी के लिए। अब हम इसमें पहले 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। आधी चम्मच हल्दी, ये हमारी छोटी चम्मच है। मिर्ची पहले भी डाल चुके हैं और फिर से डाल ले, थोड़ी सी डालेंगे। अब धनिया पाउडर 1 चम्मच, इसको चला के 1 चम्मच लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। अब इसको भुनने देंगे धीमी आंच पर थोड़ी देर, 1-2 मिनट भुनेंगे। इसमें कश्मीरी मिर्च, ये कलर लाती है, तीखी बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच। इसके बाद 1 मीडियम साइज का टमाटर लिया था, उसको मैंने पीस लिया ग्राइंडर में, वो डालेंगे। इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसमें
थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल चला देंगे। अब इसको ढक्कन से ढक देंगे, 2 मिनट इसको पकने देंगे। ये देखो हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। अब इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, पानी अपने ग्रेवी के हिसाब से यानी कि करी के हिसाब से डालेंगे, गाढ़ी पतली जैसी आपको खाना है वैसा ही पानी डालें उतना ही। अब इसमें थोड़ा सा आधी चम्मच छोटी गरम मसाला डालेंगे, गरम मसाला लास्ट में डालो तो उसका फ्लेवर अलग ही आता है। खड़े मसाले का भी फ्लेवर अच्छा आता है इसलिए खड़ा मसाला डालते हैं। अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे, ढक्कन लगा देंगे, उबलने देंगे। ये 2-3 मिनट हो चुके हैं हमारी करी को। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे, कोफ्ते देखो कितने सॉफ्ट बने हैं, पूरा स्पंजी बन रहे हैं। अब इसमें एक एक करके इनको डालेंगे और धीमी आंच पे 2-3 मिनट और पकने देंगे। दो मिनट के लिए इनको फिर से ढक देंगे। ये देखो हमारे बनकर तैयार हैं, कितना अच्छा कलर आया सॉफ्ट। ये हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे। अब इनको एक बर्तन में निकालेंगे, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऊपर से डाल देंगे, इससे ये खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा और देखने में भी खूबसूरत कोफ्ते दिखेंगे, बहुत ही टेस्टी कोफ्ते। एक बार जरूर ट्राई करें।